चलो जी, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज एग्जाम्पल नंबर 7, है ना, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है कि 5PR इज इक्वल टू 6PR-1, है ना, 5PR इज इक्वल टू व्हाट, 6PR-1। ठीक है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लिखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप गिवन नोट कर लेंगे। गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, गिवन इज 6, ठीक है ना, 5PR, ठीक है, 5PR इज इक्वल्स टू 6PR-1, है ना, 6PR-1। अब देखो हमारे पास ना फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब मैं सिंबल यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना, अब मैं यहाँ पे सिंबल जो है वो चेंज कर देता हूँ। दोनों सिंबल में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप दोनों सिंबल्स के साथ जो है फेमिलियर रहे। तो मान लो कि जैसे n फैक्टोरियल है, सॉरी npr को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब मेरी बात सुनो कि वैसे ही 5pr को हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली डिफरेंस क्या है, n की जगह पे यहाँ पे कितना है, 5 है। तो जैसे npr को हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, तो 5pr को हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल बाय n माइनस, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6PR-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय, ठीक है ना, 6PR-1, मतलब कितना हो जाएगा, 6 r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, ये देखो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या आएगा, 5 r फैक्टोरियल, और इसके बराबर में ये आपका 6 फैक्टोरियल है, और देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 r-1, है ना, 6 r-1, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, देखो एक्चुअली हमें यहाँ पे r की वैल्यू हमारी कितनी है, r-1 बेटा, ठीक है ना, r की वैल्यू कितनी है, r-1, तो हम r की जगह पे r-1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट से के माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू आर कितना मिलेगा, माइनस आर, माइनस इंटू माइनस मिलेगा +1 फैक्टोरियल, है ना, +1 फैक्टोरियल। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 r-1, ठीक है, और इसके बराबर में कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 r+1, तो ये 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, एंड 7 r-फैक्टोरियल बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। सी ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 नहीं है, है ना, तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा आगे, ये 5 फैक्टोरियल तो जो है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, और डिनोमिनेटर में जो टर्म दिख रहा है 5 r-फैक्टोरियल, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं, और इसके बराबर में क्या है, 6 फैक्टोरियल बाय 7 r-फैक्टोरियल। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, है ना, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है, तो मैं इस 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, और जो 7 r-फैक्टोरियल है ना, इसको भी मैं 5 r-फैक्टोरियल के फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, और इसी को हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिख रहा है, 6 फैक्टोरियल, तो जैसे मैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो वैसे ही मैं 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 6 × 5 फैक्टोरियल, राइट, है ना। देखो आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे n की जगह पे अगर मैं 6 रख दू, है ना, n की जगह पे अगर मैं 6 रख दू, तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 6-1, 6 − 1 क्या होना चाहिए, 5 फैक्टोरियल, तो ये क्या मिलेगा आपको, 5 फैक्टोरियल, और इसके डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए। अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, इसके ऊपर भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी है, 7 r, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है, 7 r, तो अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 7 r लिख दू, तो क्या मिलेगा, 7 r × 7 r-1, है ना, 7 r-1, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 7 r × 7 r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। यहां पे देखो न्यूमरेटर में भी 5 फैक्टोरियल है, यहां पे भी न्यूमरेटर में भी 5 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल को हम यहां से उड़ा देंगे, तो अगर ये यहां से उड़ गया तो बचता क्या है, क्या बचेगा, 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 5 r-फैक्टोरियल, बहुत सिंपल है, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 6 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए,
ये देखो 7 माइनस आर है और ये 7 माइनस आर माइनस 1, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है कितना हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 बाय कितना होना चाहिए 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इसके बराबर में क्या है यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस आर, ठीक है और यहाँ पे देखो 6 माइनस आर है, 6 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन है ना 6 माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसे फिर से हम जैसे n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, वैसे मैं 6 माइनस आर फैक्टोरियल को भी लिख सकता हूँ ना, ओनली डिफरेंस क्या है n की जगह पे मुझे 6 माइनस आर रखना है, तो n की जगह पे अगर मैं 6 माइनस आर रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है, ठीक है बात समझ में आ रही है, n की जगह पे हमने क्या रखा हुआ है 6 माइनस आर रखा हुआ है, तो n की जगह पे अगर मैं 6 माइनस आर फिर से रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा 6 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज 1 बाय, ठीक है 1 बाय 5 माइनस आर फैक्टोरियल और इसके बराबर में आपको क्या मिल रहा है न्यूमरेटर में 6 है, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे 7 माइनस आर, ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर और यहाँ पे देखो 6 माइनस आर माइनस 1, तो 6 माइनस 1 हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 कितना होना चाहिए 5, दैट इज 5 माइनस आर फैक्टोरियल, है ना क्या मिलेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब आप देख सकते हो कि LHS के डिनोमिनेटर में भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसके डिनोमिनेटर में भी 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, यहां से मैं दोनों को उड़ा दूंगा, ठीक है ना यहां से मैं दोनों को उड़ा दूंगा तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, ठीक है LHS में क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा और यहां पे डिनोमिनेटर, ठीक है सॉरी आर, ठीक है LHS में 1 रह जाएगा और RHS में आपको क्या मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 माइनस आर, ठीक है 7 माइनस आर और यहाँ पे कितना है हमारे पास 6 माइनस आर, ये बिल्कुल सेम मिला है जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मिला था, ओनली डिफरेंस क्या था न्यूमरेटर में 12 था और डिनोमिनेटर में ये वाली सेम टर्म थी, ये जो 7 माइनस आर दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर इसको हम लोग LHS में लेके जाएंगे तो ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो उधर में जाने के बाद कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है थोड़ी अच्छी पोजीशन में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 7 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, इसको हम इवैल्यूएट करेंगे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर में हम टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 इंटू 6 कितना होता है 42, है ना 7 माइनस आर कितना हो जाएगा माइनस 7 आर, माइनस आर इंटू 6 कितना होना चाहिए माइनस इंटू प्लस, एक तो माइनस हो गया आर इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 आर, माइनस आर इंटू माइनस आर में देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा और आर इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 7 आर माइनस 6 आर कितना हो जाएगा माइनस 13 आर और यहाँ पे देखो 42 माइनस 6 कितना होना चाहिए 42 में से अगर मैं 6 को निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचेगा 36 बचेगा, ठीक है ना कितना बचेगा मेरे पास 36 बराबर 0, ठीक है अब देखो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 36 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन जो है वो कितना आना चाहिए माइनस 13 आना चाहिए, है ना मल्टीप्लीकेशन जो है वो 36 आना चाहिए और एडिशन जो है वो माइनस 13 आना चाहिए, देखो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या इसका वाला, ठीक है फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है यहाँ पे देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है 9 फोर्जा कितना होता है 36, है ना 9 फोर्जा कितना होता है 36, तो 9 इंटू 4 तो आपका 36 तो हो जाएगा, लेकिन क्या 9 और 4 को ऐड करने के बाद आपको 13 मिलेगा प्लस 13 मिलेगा, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है माइनस 13 का है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा माइनस माइनस लगा दूंगा, माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 13 और माइनस 9 इंटू माइनस 4 जो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 36 इज इक्वल टू 0, क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस 13 आर को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया किसमें माइनस 9 आर माइनस 4 आर, देखो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हुआ क्या, क्वेश्चन सेम है ना सॉरी स्टेप का मीनिंग चेंज हुआ क्या, माइनस 13 आर यहाँ पे भी था यहाँ पे भी माइनस 13 आर, इसे लिखने का तरीका हमने बदल दिया, माइनस 13 आर को मैंने माइनस 9 आर माइनस 4 आर लिखा, ऐड कर दोगे तो फिर से आपको माइनस 13 आर ही मिलेगा, तो क्या करेंगे इसमें से आर को कॉमन निकाल लेंगे आर माइनस 9 मिल जाएगा, माइनस 4 आर में से यहाँ से माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे आर माइनस 9 मिल जाएगा और ये किसके बराबर में हो जाएगा इसके बराबर में 0 आ जाएगा, देखो दोनों इसमें 9 आर माइनस 9 जो है वो कॉमन है आर माइनस 9 को हम निकाल देंगे तो ब्रैकेट में जो मिलेगा वो क्या होगा आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसी को हम कैसे लिखेंगे आर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और आर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्यों क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब दो
टर्म्स का या फिर जो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें से कोई तो भी एक एलिमेंट जो है वो जीरो है ना, कोई तो भी एक एलिमेंट जो है वो क्या है, जीरो है, तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो आता है। ठीक है, तो एक तो r माइनस नाइन जीरो के बराबर में होगा या तो फिर r माइनस फोर जीरो के बराबर में होगा। ठीक है, तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, r इज इक्वल टू नाइन। ठीक है ना भाई साहब, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू नाइन और यहां पे कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू फोर। बहुत सिंपल सी बात है, r इज इक्वल टू नाइन और r इज इक्वल टू फोर हमें मिल गया। अब फिर से वही क्वेश्चन आता है कि r की वैल्यू हम क्या चूज करेंगे। यहाँ पे हमें एक तो नाइन मिल रहा है या तो r, एक तो फोर मिल रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चूज कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस इसमें आपको बताया था कि r की जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, सिंस r जो है इन एन पी आर आर जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल्स टू n। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल रही है, एक तो 5 मिल रही है, एक तो 6 मिल रही है, और यहाँ पे r की वैल्यू जो है कैसी है, 9 और 4। और ये जो 9 आपको दिख रहा है वो 5 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है, मतलब एट अ टाइम मोर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग चूज नहीं कर सकते, जितने ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं उससे ही, उससे लेस या फिर उसके बराबर में हमें ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम चूज करने होते हैं टू मेक द अरेंजमेंट्स, है ना, अरेंजमेंट्स बनाने के लिए, परमुटेशन बनाने के लिए। ठीक है, उसके ज्यादा ऑब्जेक्ट हम एट अ टाइम चूज नहीं कर सकते, वो बात मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ये लिख दीजिए आप, 5p9 इज मीनिंगलेस। ये 9 में क्यों यूज कर रहा हूँ, आर के लिए, है ना, और 5 में किसके लिए यूज कर रहा हूँ, एन के लिए। ठीक है ना, सो 5p9 इज मीनिंगलेस। ठीक है, इज मीनिंगलेस, तो हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, और इसका अगर कोई मतलब नहीं है तो इसको हम लोग लेके भी कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो r की वैल्यू पॉसिबली क्या हो जाएगी फिर, 4। सो r इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। जीत गए आप लोग, ठीक है, लिखिएगा। तो चलो जी, ठीक है, बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the equation using each letter exactly once। ठीक है, तो दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करना है पहले तो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वर्ड के तीन चीजें आपको नोट करना है बेसिकली। ठीक है, इस वर्ड के लेटर्स का आपको अरेंजमेंट करना है ना, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कह रहे हैं ना, मतलब इस इक्वेशन के, इस वर्ड के, ये वर्ड जो है क्या है, इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर्स को हमें क्या करना है, अरेंज करके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, और क्या कह रहा है ये, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब एट अ टाइम आप एक लेटर, ठीक है, एट अ टाइम आप, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब क्या, किसी एक प्लेस में एट अ टाइम आप एक ही लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा जो रिमेनिंग प्लेसेस होगी उसमें आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, मतलब रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, है ना। तीन चीजें हम यहाँ पे नोट करेंगे। पहले तो हमें ये जो वर्ड दिया हुआ इक्वेशन, इसके लेटर्स को हमें अरेंज करना है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे कितने लेटर्स है, ठीक है, इस वर्ड में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लेटर वर्ड्स हमें बनाने, है ना, क्या बनाना है हमें, 8 लेटर वर्ड्स हमें बनाने हैं। ठीक है, और क्या सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, सारे लेटर्स जो है यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब देर आर 8 ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, 8 ऑब्जेक्ट्स है, और सारे ऑब्जेक्ट कैसे डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ठीक है, दो चीजें हमने नोट कर ली। तीसरी बात हमें क्या बोल रहे हैं कि यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे नोट कर ली, एक तो हमें क्या बनाना है, 8 लेटर वर्ड बनाना है, ठीक है, किस वर्ड के, ठीक है, किस वर्ड का, इक्वेशन वाले वर्ड का। ठीक है, दूसरी बात है ना, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, है ना। तो इसके वर्ड बनाना मतलब क्या करना, है ना, इसके वर्ड बनाना मतलब क्या करना, इसके लेटर्स को अरेंज करना, है ना, इसके वर्ड बनाना मतलब क्या, इसको लेटर्स के अरेंज करना यूजिंग ऑल 8 डिफरेंट लेटर्स, टेकिंग 8 एट अ टाइम। ठीक है ना, टेकिंग 8 एट अ टाइम, है ना। तो दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, कितने वेज में हम इसको कर सकते हैं, 8p, टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 8, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, 8, तो 8p 8 वेज में आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, तो लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, एज मेनी
एज मेनी एज वर्ड्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एज मेनी एज एट लेटर वर्ड्स, ऐसे लिखना है ना, एज मेनी एज, ठीक है, एज मेनी एज, ठीक है, एज मेनी एज एट लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड, है ना, कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, एज वी कैन अरेंज, वी कैन अरेंज, एज वी कैन अरेंज द लेटर्स, एज वी कैन अरेंज द लेटर्स, द लेटर्स ऑफ द वर्ड, ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन यूजिंग यूजिंग ऑल एट डिफरेंट लेटर्स, ऑल एट डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट लेटर्स, सॉरी, ठीक है, डिफरेंट लेटर्स टेकिंग, ठीक है, टेकिंग एट एट अ टाइम, ठीक है, टेकिंग एट एट अ टाइम, एक समय पे हम कितने लेटर्स ले सकते हैं, एट अ टाइम एट लेटर्स ले सकते हैं, और टोटल ऑब्जेक्ट्स भी हमारे पास कितने हैं, एट है, तो हमें एट लेटर वर्ड यहाँ पे फॉर्म करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है यहाँ पे, एट लेटर वर्ड फॉर्म करना है, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और कितने हो गए, आठ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो लेटर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया मैं उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, जो लेटर यहाँ पे यूज कर लिया मैं उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, तो इसको हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सॉरी, टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास एट है, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, एट लेने हैं, तो इसको हम कितने वेज में परफॉर्म कर सकते हैं, एट पी एट वेज में, है ना, एट पी एट वेज में, सो दिस कैन बी डन, ऐसे लिख देना आप लोग, ठीक है, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन एट पी एट वेज, है ना, एट पी एट वेज, ठीक है, दिस कैन बी डन इन एट पी एट वेज, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एट पी एट, है ना, क्या होना चाहिए, एट पी एट, और हमारे पास वो फॉर्मूला है एनपीआर वाला परमुटेशन का, क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये अप्लीकेबल कब होता है, जब वहां पे ऑब्जेक्ट्स जो कैसे हो डिस्टिंक्ट हो, और एट अ टाइम हमें कितने लेने हो, ठीक है, आर ग्रेटर देन इक्वल्स, ठीक है, आर ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल्स टू एन, और ये अप्लीकेबल कब होता है, जब, ठीक है, रिपीटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, है ना, तो दोनों चीजें यहाँ पे रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है और साथ में ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे है डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमारी 8 है, r की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय n माइनस r, मतलब 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और 8 फैक्टोरियल बाय 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है 1, राइट है ना, 0 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1, तो कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, हमारे पास ना ये फॉर्मूला दैट इज एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, है ना, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करते जा सकता हूँ कहां तक, अप टू द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो मैं उसको कहां तक रिड्यूस कर सकता हूँ 1 तक, तो वैसे ही अगर मेरे पास 8 फैक्टोरियल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या होना चाहिए 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है ना, यहाँ पे देखो 6 इंटू 4 कितना, सॉरी 5 इंटू 4 कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 कितना मिलेगा आपको 120, और 120 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 0,
टू, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, 16 टू 1 6 प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना मिलेगा 720, है ना, कितना मिलेगा 720, और 720 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 5040, है ना, क्या मिलेगा 5040, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है ना, चेक कर लो, 7 इंटू 0 इज 0, 7 टू से कितना होता है 14, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 1, एंड देन क्या होता है 7 इंटू 7 इज 49, 49 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा 59, मतलब 5040 इज करेक्ट, ठीक है, देन 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 5040 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू 0 इज 0, 8 फोर से कितना होता है 32, 32 में से हम लोग 2 लिख देंगे और 3 को हमारे पास रखेंगे, देन 8 इंटू 0, ठीक है ना, और हमारे पास कितना है 3, 3 उसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है, देन 8 5 से कितना होता है 40, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40, तो कितने वर्ड्स आप बना सकते हो 40,320, है ना, इस वर्ड इक्वेशन के, है ना, ये जो वर्ड आपको दिया हुआ इक्वेशन, इसके लेटर्स का यूज करके आप कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है, कितने तरीके से आप उन लेटर्स को अरेंज कर सकते हो 40,320, ठीक है, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 9, ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 9, कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे यूजिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, देखो दो यूजफुल इन्फॉर्मेशन, दो से तीन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, ठीक है, वर्ड फॉर्म करना है, मतलब ये जो सॉरी क्या करना है, ये जो वर्ड है इनके लेटर्स को हमें अरेंज करना है ना, इनके लेटर्स को हमें क्या करना है अरेंज करना है, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि रिपीटेशन जो है ना अलाउड नहीं है किसी भी केस में, टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेकिन इन तीनों में जो है ना रिपीटेशन जो है वो आपका अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो जो रिपीटेशन ये तीनों क्वेश्चंस में अलाउड नहीं होगा, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देखो वर्ड आपको क्या दिया हुआ है मंडे, मंडे में देखो कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रिपीट हुआ है क्या, मंडे में कोई लेटर रिपीट हुआ है क्या, सेम लेटर लिखा हुआ है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट है, और कितने ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं मंडे में M O N D A Y, मतलब टोटल कितने लेटर्स है हमारे पास 6 लेटर्स है, ठीक है, तो एक दो चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो गई। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपसे कहा कि उसका एल्गोरिदम आना चाहिए, मतलब उसका एक बैकग्राउंड जो है ना हमारे माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब उसमें छप जाना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट है, ये दिया हुआ है और हमें ये करना है, ठीक है ना। दूसरी देखो ये बात हमारे क्लियर हो गई कि हमें क्या करना है, ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है मंडे इसके लेटर्स को हमें अरेंज करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि रिपीटेशन जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, और यहाँ पे देखो ठीक है टोटल कितने लेटर्स है वर्ड में 6, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 6, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो क्या कह रहा है 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, है ना, 4 लेटर्स यूज एट अ टाइम, ठीक है, तो इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके आपको 4 लेटर्स के अरेंजमेंट करने हैं एट अ टाइम, आपको क्या बनाना है 4 लेटर वर्ड्स आपको बनाने हैं, मतलब 4 लेटर वर्ड्स की आपको अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 6 है, देखो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बहुत आसान है, ज्यादा सोचने की भी आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है उसमें 6 लेटर है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 6 है, और एट अ टाइम हमें कितने अरेंज करने हैं 4 अरेंज करने, है ना, एट अ टाइम हमें कितने अरेंज करने हैं 4 अरेंज करने, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में इन 6 लेटर्स का यूज करके हमें 4 लेटर वर्ड बनाने, तो ऐसा हम कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से कम ऑब्जेक्ट जो एट अ टाइम हम चूज कर सकते हैं, तो 6 लेटर्स आपके पास दिए हुए इसमें से आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने, तो देखो कैसे लिखिएगा आप इसको, ठीक है, लिखिएगा कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिखिएगा, ठीक है, सिंस रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, सिंस रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, सिंस रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, देयरफोर फॉर्मिंग 4 लेटर वर्ड, ठीक है, फॉर्मिंग 4 लेटर वर्ड इज इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर में है, अरेंजिंग द 6 लेटर्स टेकन 4 एट अ टाइम, ठीक है, वर्ड इज इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग, ठीक है ना, अरेंजिंग
सिक्स डिफरेंट लेटर्स, ठीक है, सिक्स डिफरेंट लेटर्स, ठीक है ना, सिक्स डिफरेंट लेटर्स टेकन एट अ टाइम, हमें कितने लेने हैं, फोर लेने, टेकन फोर एट अ टाइम, टेकन फोर एट अ टाइम, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे हमें फोर लेटर वर्ड बनाने, मतलब एट अ टाइम फोर लेटर्स हमें यूज करने हैं, है ना, फोर लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, इसका मतलब क्या, हमें फोर लेटर वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, तो ये किसके साथ इक्विवेलेंट है, ये किस अरेंजमेंट के साथ इक्विवेलेंट है, उस प्रकार के अरेंजमेंट के साथ इक्विवेलेंट है जिसमें हम लोग सिक्स लेटर्स यूज करेंगे और एट अ टाइम हम कितने यूज करेंगे, फोर यूज करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने दिए हुए, यहाँ पे फोर दिए हुए, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, फोर है, तो फोर लेट्स, सॉरी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सिक्स है, सॉरी मैं गलती से फोर बोल गया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सिक्स है और एट अ टाइम हमें कितने यूज करने हैं, फोर यूज करने हैं, तो सिक्स लेटर्स का यूज करके एट अ टाइम, ठीक है, सिक्स लेटर्स का एट अ टाइम फोर यूज करके हमें क्या बनाना है, अरेंजमेंट्स करनी है, मतलब हमें क्या मिलेंगे, फोर लेटर वर्ड्स मिलेंगे, है ना, तो हमने क्या कहा कि सिंस द रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, सिंस द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, देयरफॉर फॉर्मिंग द फोर लेटर वर्ड इज इक्विवेलेंट टू अरेंजिंग द सिक्स डिफरेंट लेटर्स टेकन फोर एट अ टाइम, ठीक है, तो देखो ये कितने प्रकार से हम कर सकते हैं ना, ये कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, तो जैसे कि पता है हमें, है ना, हमें पता है कि हमें क्या करना है, फोर लेटर वर्ड हमें बनाना है, अब फोर लेटर वर्ड जब हमें बनाना है तो टोटल ऑब्जेक्ट हमारे पास सिक्स है और सारे ऑब्जेक्ट कैसे है, डिस्टिंक्ट है, एट अ टाइम हमें कितने लेने हैं, फोर लेने हैं, है ना, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स, आर की वैल्यू कितनी हो गई फोर, तो इसको मैं कितने प्रकार से अरेंज कर पाऊंगा, कितने प्रकार से अरेंज कर पाऊंगा, सिक्स पी फोर, है ना, कितने प्रकार से मैं इसको अरेंज कर पाऊंगा, सिक्स पी फोर वेज में, ठीक है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है ना, यहां पे हम लिखेंगे कैसे, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन इन इन सिक्स पी फोर वेज, दिस कैन बी डन इन सिक्स पी फोर वेज, दैट इज, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स, है ना, रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड वर्ड्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसके बराबर में ही है, मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या है हमारे पास 6p4, है ना, 6p4, तो हमारे पास वो फॉर्मूला है npr वाला, बहुत आसान है, क्या है npr वाला, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला कब अप्लीकेबल होता है, एक तो जब ऑब्जेक्ट हमारे डिस्टिंक्ट हो, दूसरा क्या, रिपीटेशन जो है अलाउड ना हो, दोनों चीजें हमारे पास है, एक तो ऑब्जेक्ट भी हमारे डिस्टिंक्ट है और रिपीटेशन भी हमारे पास अलाउड नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास 6 है, तो ये हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n की वैल्यू हमारे पास फिर से 6 है, r की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, इसी का मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय व्हाट, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल में हम लोग रिड्यूस करेंगे, किस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इनटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, इसी तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, सॉरी 6 फैक्टोरियल को हम अरेंज करेंगे ना, ठीक है ना, 6 फैक्टोरियल को हम अरेंज करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 6 इनटू 5, है ना, इनटू 4 इनटू 3 इनटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को आप हटा दोगे, ठीक है ना, तो 6 फाइव से कितना होता है 30, है ना, देखो 4 थ्री जा 12, है ना, 12 फाइव से कितना होता है 60, एंड 60 इनटू 6 कितना होता है 360, मतलब 360, ठीक है, फिर से एक बार आप कैलकुलेट कर लो, 6 बराबर है नहीं है, 4 थ्री जा 12, 12 फाइव से कितना 60, एंड 60 इनटू 6 कितना कितना 36, है ना, 6 इनटू 6 कितना 36 हो ना, जीरो लगा देंगे कितना हो जाएगा 360, है ना, तो ऐसे कितने फोर लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 360, किसमें से, है ना, कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास सिक्स लेटर्स, ठीक है, सिक्स लेटर्स का अरेंजमेंट टेकिंग फोर एट अ टाइम कितने हो जाएगा 360, है ना, कितना होना चाहिए 360, लिखिएगा इसे,